तो आज है संडे यानी दिन है रविवार। फिल्म लाइन में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं, इनका जवाब जानने के लिए आप लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये सवाल लिख देते हैं और इन्हीं का जवाब देने के लिए मैं ये संडे स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो चलिए, आप में से बहुत सारे लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं और मुझे नहीं जानते, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और 20 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं कैमरा टेक्नीशियन के रूप में, और वहीं से मैं बहुत सारी जानकारी लेके आते रहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे कामों की जानकारी लाता हूँ, फिल्म सिटी से बहुत सारे शूटिंग के बारे में, लोकेशन के बारे में, इन सभी पे वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो चलिए अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोग लगभग एक ही जैसा सवाल पूछते हैं, तो उन्हीं सवालों का जवाब देने की मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। हमारे भाई हैं एक रजा भाई, वो लिख रहे हैं, मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें अगर फिल्म में काम करना है तो आपको मुंबई में पहले किराए पर कमरा लेना होगा और आपको एक फिल्म लाइन का कार्ड बनाना पड़ेगा, तभी आपको काम मिलेगा। तो चलिए देखिए रजा भाई, मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को हमेशा जानकारी देते आता हूं कि आप लोग मुंबई में जाकर कम किराए में रह सकते हैं, आपको डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा, आपको किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं बनाना पड़ेगा और लगभग जो है आप दिन के 200 से 300 रुपए देकर आप आराम से जो है एसी में, समझ रहे, होटल जैसी जो सुविधा होती है उस तरह से आप रह सकते हैं। आपको वाईफाई मिलेगा फ्री, उसके साथ एसी जो है वो रात को ऑन हो जाया करेगी, साथ में आपको गर्म ठंडा पानी जैसे और जो विस्लरी का पानी जो है, एक्वागार्ड का पानी, वो सब फ्रिज वगैरह, आप खाना अपने हाथों से बना सकते हैं, ऐसी सुविधा जो है सस्ते से सस्ते दामों में मिल सकती है। इस पर मैंने तमाम वीडियो बनाया, तो आप ये बिल्कुल चिंता मत करें कि आपको किराए का कमरा लेने के लिए डिपॉजिट वगैरह देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो कह रहे हैं कि कार्ड बनाना पड़ेगा, तो देखिए रजा भाई, मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो में बताया आप लोगों को, आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि आप सबसे पहले काम को ढूंढिए। अगर आप ढूंढ लेंगे काम, तो फिर वो काम करने की जैसे शुरुआत करेंगे तभी आपको जो है ये यूनियन वाले इन लोगों की जानकारी आपको मिल जाएगी, या कभी कभी क्या होता है कि जो शूटिंग का सेट होता है वहीं पर ये यूनियन वाले आते हैं और आपका कार्ड बनाकर देते हैं। तो सबसे पहले आप कार्ड मत बनाइए, सबसे पहले काम ढूंढिए। कई बार क्या होता है कि आप कार्ड बनवा लेते हैं, फिर आप लोगों को काम ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है और फिर आप लोग ये सोचते हैं कि यार कार्ड बनवा लिया, पैसे खर्च हो गए, अब काम कोई दे नहीं रहा, इसीलिए सबसे पहले काम ढूंढिए, ठीक है। अब आप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरी बात तो कोई नजरअंदाज करता है, कार्ड पहले बनवा लेता है और काम ढूंढता है, फिर वो भाई कमेंट में जाके देखिए, बहुत सारे लोगों ने यही कहा लिखा होगा कि हमने कार्ड बनवा रखा है, काम अभी तक नहीं मिला, तो पहले काम ढूंढिए। चलिए हमारे दूसरे साथी हैं, वो टीटी बॉस ऐसा उनके चैनल का नाम है कमेंट में, मैं वाराणसी में रहता हूँ, मुझे भोजपुरी फिल्मों में काम करना है, ये भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा? वाराणसी में है आप, उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे फिल्मों की शूटिंग इस बार हो रही है, कास्टिंग जो डायरेक्टर है वो काफ़ी सारे वाराणसी के एक्टरों को काम दे रहे हैं। अब आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान उस ओर नहीं था, आप लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ पे कौन कास्टिंग एजेंसी है, कौन लोगों को काम दे रहा है, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय मिले तो आप लोग क्या करिए कि बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनका ऑनलाइन जो है ऑडिशन चलते रहता है, आपको ऑडिशन जरूर देना चाहिए। अब बात आती है कि ऑडिशन तो हिंदी फिल्मों में होता है, वहां पे जो है हिंदी फिल्मों के लिए या सीरियल के लिए लिया जाता है, भोजपुरी का कहीं हमको दिखाई नहीं देता, तो ये बात बिल्कुल सही है कि भोजपुरी के ऑडिशन बहुत कम होते हैं। होता क्या है कि आप जब जो भी कैरेक्टर, जो भी लोग हैं वो हिंदी के लिए ऑडिशन देते रहते हैं, लेकिन भोजपुरी के लिए जो एक्टर जो है जब चाहिए होता है ना, तो वो लोग जो है मतलब भोजपुरी वाले जो है प्रोडक्शन हाउस, वो जाके यहीं इन्हीं जो है कास्टिंग एजेंसी को कहते हैं कि हमें कुछ एक्टर दे दीजिए, और फिर वहां से वो एक्टर जब आते हैं तो उनको काम मिल जाता है और वो काम अच्छे तरीके से करते हैं, और फिर क्या होता है भोजपुरी वाले उन्हीं को रिपीट करते हैं। आप देखिएगा कि अगर कोई खेसारी लाल का दोस्त बना है तो कई पिक्चरों में वो बना हुआ है, अगर कोई उनकी माँ का रोल कर रहा तो वो कई पिक्चरों में, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा इनके इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी वाले सोचते हैं कि अगर एक बार इन्होंने अच्छा रोल किया है, ये फेमस हो चुकी हैं, इनको लोग जानते हैं, तो इन्हें अगर दूसरी फिल्म में रखेंगे तो लोग मतलब पसंद भी करेंगे और हमें नए लोगों के साथ में इतना मतलब क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि नए कलाकारों को ले तो लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है
लैंग्वेज की कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि भोजपुरी अच्छे से बोल नहीं पाते हैं और कभी कभी एक्टिंग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों का ज्यादा बजट होता नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि वो नए लोगों को ज्यादा मतलब लेने की सोचते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर हम ले लेंगे तो फिर कहीं फंस ना जाए, इसीलिए कुछ इनके जो है लिमिटेड कहते ना कि भैया इन्हीं को लेकर ये बनाते रहते हैं। फिलहाल बहुत सारे डायरेक्टर इस नियम को तोड़ते हैं और जो है कि बहुत सारे नए लोगों को चांस देते हैं। तो आप लोग जो है मुंबई में ऑडिशन देने की जरूर कोशिश करिएगा, और अगर आपके वाराणसी में बहुत सारी फिल्मों जो घाट वगैरह पे देखिए बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग चलती रहती है, वहां पे जो है प्रोडक्शन कंट्रोलर से मिलिए और उनको जो है बोलिएगा, वहां कास्टिंग एजेंसी होंगे और वहां पे ही आप बात करिएगा, आपको 100% वहीं पे काम कहीं ना कहीं किसी फिल्म में कहीं वेब सीरीज में मिल जाएगा। एक है हमारे दर्शक शंकर आनंद है, वो कहते हैं कि मैं स्पॉट बॉय का काम पिछले 6 सालों से कर रहा हूं और मैंने जो कार्ड बनवाया वो 6,000 रुपए का बनवाया है और इसी कार्ड को करीबन लोग जो है 10,000 रुपए तक मांग लेते हैं। शंकर आनंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जानकारी यहाँ पर दी है कि आपका कार्ड 6,000 रुपए का है लेकिन 10,000 लोग मांगते हैं। ये कार्ड को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो है ना मतलब गलत जानकारी मिली है। पहली बात तो यही कि कार्ड बनवा लो काम मिलेगा, ये ऐसा होता ही नहीं है। आप पहले काम करिए फिर कार्ड बनवाइए। अब इसमें क्या होता है, कई सस्ते और कई महंगे कार्ड होते हैं, तो मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो महंगा कार्ड होता है, जो असली यूनियन का कार्ड है, मजदूर यूनियन का कार्ड, वो आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, जैसे कि आपके शादी के खर्चा, अगर शादी हो रही है आपके तो आपको कुछ खर्चा वहां पे मिलेगा, अगर आपके बच्चों की शादी हो रही है तो कुछ आपको वहां पर खर्चा जो है आपको दिया जाएगा, आप बीमार हो जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस के तौर पे बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, बहुत सारे हॉस्पिटल का जो खर्चा है वो भी ये यूनियन देती है, काम के वक्त कोई हादसा हो जाए तो आपको बहुत सारा जो है हर्जाना जो भी होता है, इस तरह की फैसिलिटी आपको दी जाती है। इससे आपका क्या होता है कि आप अपने काम में व्यस्त रहते हैं लेकिन इन जो आपके परिवार को एक सुविधा मिलती रहती है। तो ये जो चीज है ना, ये मजदूर यूनियन वाले जो है वो करते हैं, सुविधाएं देते हैं, लेकिन जो सस्ते कार्ड होते हैं वो इस तरह की सुविधाएं आपको नहीं देते हैं। तो यही फर्क इसमें होता है। और देखिए कार्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर देखा जाए तो कार्ड सबसे पहले कार्ड आपकी सुविधा के लिए बनाया जाता है कि शूटिंग आपके बहुत लेट पैकअप हुई है, 3-4 बजे तक आप जो घर जा रहे हैं, रास्ते में नाकाबंदी लगी है, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप किस पद पर क्या काम करते हैं इसकी एक आईडी होती है, तो वो आप बताने के लिए एक इस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो सुविधाएं मैंने आपको जैसे बताया कि मजदूर यूनियन का कार्ड हो तो सुविधाएं देते हैं, बाकी और जो कार्ड होते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि बस आप बनवा लीजिए और साल भर में उसको जो है रिन्यूअल कीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं कोई कार्ड के लिए तो आपको सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो इसके लिए मैं मजदूर यूनियन का कार्ड थोड़ा महंगा रहता है लेकिन सुविधाएं बहुत सारी मिलती रहती हैं। तो ये जानकारी, और मैं तो कहूंगा कि आप सबसे पहले काम पकड़िए उसके बाद जो है कार्ड बनाइए। हमारे दर्शक हैं मुलायम सिंह जी, वो लिखते हैं कि सर ड्रोन ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ती है या नहीं पड़ती है। मैं जो हूँ कि मेरे पास जो है एक लाइसेंस है, मैंने जो है इस लाइसेंस को DGCA से जो है बनवाया है, ड्रोन पायलट का कोई भी जॉब मिल सकता है क्या फिल्म लाइन में? तो चलिए बहुत अच्छी बात है भाई मुलायम जी, आपने ये सवाल जो है यहाँ पे रखा, मुझे मालूम भी अभी पड़ा कि आप लोगों के पास जो है लाइसेंस भी है। तो देखिए फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रोन उड़ाए जाते हैं वो अब क्या है, हाई क्वालिटी के ड्रोन होते हैं, उस पर जो है कैमरा जो है वो जो रेड के कैमरे हैं, छोटे कैमरे वो लगाए जाते हैं, तो वो कैमरे काफ़ी हैवी होते हैं और ड्रोन भी हैवी होता है। अगर आप उड़ाना जानते हैं, आप उसके अच्छे खासे पायलट हैं, तो आपको 100% जो है यहाँ के जो इक्विपमेंट वाले हैं, जो कैमरा इक्विपमेंट वाले हैं, वो आपको जरूर हायर कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रोन बहुत सारे ड्रोन ऑपरेटर हैं तो वो जो है आपको जरूर हायर करेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात, उनको मिलकर बातचीत करनी पड़ेगी तो ही आपको सकते। लेकिन फिलहाल जो है कि आप अच्छे खासे जो है ड्रोन उड़ाना जानते हो तो बहुत सारे आजकल जो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ऐसी ऐसी शादियां वादियां होती हैं जिसके अंदर जो है कि ड्रोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, पुलिस वगैरह भी जो है ड्रोन का काफी ज्यादा इस्तेमाल करती है। तो भाई आपकी आवश्यकता तो हर जगह रहेगी और आने वाले समय में आपकी तो ज्यादा आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ड्रोन से आधा से ज्यादा काम जो है काफी सारे लोगों का हो रहा है। तो मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में भी जो है ड्रोन ऑपरेटर की काफी जरूरत पड़ती है। तो आपको इसके लिए क्या है कि जो कैमरा इक्विपमेंट वाले हैं उनके पास जाना पड़ेगा और आपकी जो लाइसेंस है, जो आपकी काबिलियत है वो बतानी पड़ेगी और 100% जो है आपको वहां पर जॉब मिल जाएगा। हमारे एक दर्शक और हैं, वो शुभम वर्मा जी, वो लिखते हैं कि मैं एक डांसर हूं और फिल्मों में मुझे बैकग्राउंड डांसर बनना है, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ कभी कभी कि मेरा काम ये कैसे होगा। तो भाई शुभम जी बिल्कुल परेशान मत होइए और डिप्रेशन में तो बिल्कुल मत जाइए, आप बैकग्राउंड डांसर बन सकते हैं बिल्कुल आसानी से और आप भी बाकी लोगों की तरह
अच्छा नाम शोहरत पैसा कमा सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप जिस राज्य में रहते हैं वहां पे ये सुविधा तो नहीं होगी कि आप क्लासेस ज्वाइन करें और वो जो है क्लासेस वाले जो हैं वो आपको एक अच्छे से ग्रुप में कोई शामिल कर पाए और वो ग्रुप जो है वो मुंबई आके परफॉर्म करता हो, ऐसा तो आपके राज्य में नहीं हुआ होगा। तो आप क्या करिए, आप मुंबई आइए। मुंबई में बहुत सारे ऐसे जो है क्लासेस हैं, वहां पर आपको जाना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ साफ तौर पे कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ये जो है ग्रुप डांसर या बैकग्राउंड डांसर का जो आप लोगों को सोचते रहते हैं ये आपको मिलता क्यों नहीं है। ये मिलता इसलिए नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं किसी दूसरे ऐसे क्लासेस से ज्वाइन कर लेते हैं, सीखते हैं, जिनका कोई मतलब कि ये लिंक नहीं होता है कि बॉलीवुड वालों के साथ में। वो अपना क्लासेस खोलते हैं, आपको सिखाते हैं और फिर आपको बोलते हैं जाइए आप सीख चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे डांस क्लासेस हैं जिनका लिंक होता है, जिनका पहचान होती है, जिनके शो चलते हैं, जिनको ये जो है ऑर्डर आता है कि भैया हमें अपनी फिल्म के में जो गाना है उसके अंदर बैकग्राउंड डांसर चाहिए। तो ये जो है ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ क्लासेस वाले हैं जिनको ये रिक्वायरमेंट आती है और फिर वो क्या करते हैं, उन्हीं अपने जो जो बच्चे सीखने आते हैं डांस उन्हीं में से अच्छे अच्छे डांसर को निकाल कर वो बैकग्राउंड डांसर के लिए भेजते हैं। समझे बात को आप? तो इसी तरीके से वो बच्चे जो है वहां पर जो क्लासेस में सीखते हैं वो इतनी अच्छी तरीके से सीखते हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कि उनके जो टीचर होते हैं वो उनको रिकमेंड करते हैं कि भैया इनको लेके जाओ हीरो के बगल में डांस करने के लिए, बैकग्राउंड डांसर के लिए, और इनको शो पे लेके जाते हैं। तो वहीं से कमाई भी शुरू हो जाती है, वहीं से नाम भी होता है। मुझे याद है कि गणेश आचार्य जी के जो जितने भी पुराने पुराने जो बैकग्राउंड डांसर थे जो उनके जो चेले थे वो आज डांस मास्टर बन चुके हैं। आप देखिएगा कि बहुत पुराना गोविंदा के साथ में कितने जो आजू बाजू में उनके जो डांसर थे वो आज जो है कि वो बैकग्राउंड डांसर आज वो डांस मास्टर बन चुके हैं। तो भाई इसी तरीके से चलता है। तो आप प्लीज ज्वाइन करिए किसी अच्छे ग्रुप को, अच्छे जो है डांस क्लासेस को जिनका लिंक जो है वो, और मुंबई में तो भाई बहुत सारे ऐसे डांस एकेडमी है जो जिनका लिंक होता है, वो अपने जितने भी लड़के लोग जो सीखते हैं अच्छा सीखते हैं उनको जो है बैकग्राउंड डांसर के लिए आगे भेजते रहते हैं, ग्रुप में भी डांस कराते हैं, बहुत सारे शो में भी डांस कराते हैं और वो अच्छा खासा पैसा और नाम शोहरत कमाते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मुझे लगता है कि आज बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब मिल चुके हैं। और आपका भी कोई सवाल होगा, आपके मन में चल रहा है फिल्म लाइन से संबंधित, तो प्लीज यार नीचे कमेंट में आपका सवाल लिखिए, मैं उसका जवाब देने के लिए ये संडे स्पेशल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए, आपके जवाब जो है मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत पसीना हो रहा है बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए।